तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 18/8/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख सकते हो। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे समझना ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1.-5 एंड बी 4.5 इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1.-5 और बी 4.5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, मतलब रेशियो भी निकालना है और निर्देशांक भी निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कह रहा है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पी पॉइंट हो जाएगा, विभाजन बिंदु, ध्यान रखना। एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है तो एक्स तो रहेगा ही, वाई ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स रहेगा, वाई ज़ीरो होगा। अगर वाई अक्ष से विभाजित होता तो वाई रहता, एक्स ज़ीरो होता, ये आपको समझना है। तो कह रहा है एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो एक्स पर, यहाँ पर एक्स ही रहेगा आपका, वाई आपका ज़ीरो रहेगा, और विभाजन बिंदु को मान लिया पी, ए बी पी, ध्यान रखना। ए के निर्देशांक हैं 1-5, बी का है 4.5, ये हमारा एक्स वन हो गया, ये वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू, ठीक है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, ये हमारा एक्स होता है, ये वाई होता है, तो एक्स पर एक्स है, वाई पर ज़ीरो है, ठीक है। ए पी और पी बी, तो हम यहाँ पर मान लेंगे माना अनुपात है के अनुपात एक, ये के हो गया और ये क्या हो गया, एक, माना अनुपात के अनुपात एक है, इंग्लिश में लिख लो लेट रेशियो बी के रेशियो वन, ठीक है। तो ये हमारा एम वन हो जाएगा, ये हो जाएगा एम टू, ठीक है, एम एन भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना वैल्यू एक्स वन वाई वन, एक्स वाई, एक्स टू वाई टू, एम वन सॉरी एम टू एम वन, ठीक है। अब बाईसेक्शन फार्मूला इंग्लिश में लिखो, हिंदी में विभाजन सूत्र से, ये एक्स के लिए फार्मूला है, ये वाई के लिए है, इसको आप रट लो, एम एन की जगह एम वन, एम टू की जगह एम एन भी आप मान सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही रट लो, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इसकी वैल्यू पुट करो सबसे पहले आप, ठीक है, ध्यान से देखो, एम वन एक्स टू, एम वन आपका के है, के गुणे एक्स टू आपका है 4, यहाँ लिखा गया, प्लस पे प्लस लगा दो, एम टू एक्स वन, एम टू आपका एक है, एक्स वन आपका एक है, एक गुणे एक आ गया, बटे में एम वन प्लस एम टू, एम वन के है, एम टू वन है, के प्लस वन हो गया, वैल्यू पुट कर दी गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे सॉल्व करोगे, के का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 के प्लस एक, एकम एक, बटे में के प्लस एक, अब आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि के की वैल्यू पता नहीं है, तो y वाला अप्लाई करो, ठीक है ना, y की वैल्यू रखो, y पर 0 है तो 0 रख दो, m1 y2, m1 k है, y2 5 है, k गुणे 5 प्लस m2 y1, m2 1 है, y1 -5 है, 1 गुणे -5 बटे में m1 प्लस m2, m1 आपका k है, m2 है 1, k प्लस 1, वैल्यू रख दी गई। आगे देखो, आगे 0/1 लगाओ अपनी तरफ से, क्रॉस मल्टीप्लाई, के प्लस एक का 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, और इधर सेम उतार लो, 5 के प्लस -5 एकम -5, आगे सॉल्व करो, 0 = 5 के प्लस -5, तो -5 0 की तरफ आएगा, प्लस 5 हो जाएगा, इस प्रकार लिख सकते हैं, तो के बराबर 5/5 कट होगा तो आ जाएगा 5 एकम 5 1, ठीक है। तो मतलब k का मान कितना आ गया आपका 1, समझ गए। और जब k का पता चल गया तो यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट करेंगे, x का मान आ जाएगा, तो -4 गुणे k पर रखेंगे 1, प्लस 1 बटे में k प्लस 1 यानी 1 + 1, आगे सॉल्व करेंगे, -4 + 1/1 = 2, और माइनस करने पे आएगा -3/2, x का मान आ गया। तो मतलब y की वैल्यू रख कर
के का मान निकाल लिया, फिर यहाँ पर हम के का मान रख कर एक्स का मान निकाल लेंगे, समझ गए। तो एक्स आ गया -3/2, के आ गया 1, ठीक है। एक्स आ चुका है 3 -3/2, तो एक्स आ गया -3/2, वाई 0 है, इसका भी पता चल गया। के 1 आ गया और m2 1 है, ठीक है ना, तो दोनों का पता चल गया। फिर आगे क्या लिखोगे आप, इंग्लिश मीडियम में लिखोगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विल बी -3/2, 0 एंड रेशियो विल बी 1:1। हिंदी मीडियम में लिखोगे अतः P बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0 तथा अनुपात 1:1 होगा, ठीक है। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।